गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच द पार्ट ऑफ लेसन 5 फॉर्मेटिंग इन वर्ड। पिछले दिन हम लोग चैप्टर 5 के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड में आप लोग डिफरेंट फॉर्मेटिंग क्या होता है, कैसे हम उसको क्रिएट करते हैं, कैसे उसमें हम लोग इफेक्ट को करते हैं, उसके टाइप को, उसके स्टाइल को कैसे चेंज करते हैं, वो हम पिछले दिन आपको बताए थे। नाउ टुडे वी लर्न अबाउट पार्ट ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, चेंजिंग केस, एलोंगिंग केस, क्रिएटिंग लिस्ट, लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग एंड प्रीव्यू प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट। हाउ टू चेंजिंग केस, हम चेंज केस को कैसे कंप्यूटर में वर्ड में कैसे अप्लाई करेंगे, एलोंगिंग टेक्स्ट को कैसे अप्लाई करेंगे, क्रिएटिंग लिस्ट को कैसे अप्लाई करेंगे, लिस्ट को कैसे अप्लाई करेंगे, लाइन स्पेसिंग, लाइन एक दूसरे के बीच में लाइन को कैसे देंगे, पैराग्राफ एक दूसरे पैराग्राफ के बीच में हम लोग कैसे उसको अप्लाई करेंगे एंड प्रीव्यू एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के प्रीव्यू को कैसे हम लोग देखेंगे और उसके उसको प्रिंट आउट कैसे करेंगे। तो ये सब कुछ हम इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में पढ़ेंगे। चेंजिंग केस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू नो अबाउट चेंजिंग केस। ये चेंजिंग केस क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। मीन्स चेंजिंग केस कमांड इज यूज्ड टू चेंज द केस ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट विदाउट टाइपिंग अगेन। बिना टाइप किए में किसी भी वर्ड और टेक्स्ट को हम लोग ऊपर और नीचे जो है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। देयर आर 5 चेंज केस ऑप्शन इन वर्ड। वर्ड में हमारे 5 चेंज केस ऑप्शन होते हैं, लाइक सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस एंड कैपिटलाइज ईच वर्ड, टोटल केस एंड कैपिटलाइज ईच वर्ड। दीज आर 5 कैटेगरीज ऑफ चेंजिंग केस। ये 5 कैटेगरीज है चेंजिंग केस ऑप्शन के। फर्स्ट है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस क्या है? द चेंजेज ऑल द सेलेक्टेड लेटर्स आर सेंटेंस टू लोअर केस एक्सेप्ट द फर्स्ट लेटर। फर्स्ट लेटर को छोड़ करके हम लोग क्या करेंगे कि सेंटेंस और लेटर को सेलेक्ट कर लेंगे। द फर्स्ट लेटर रिमेन कैपिटल। फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लेटर। एंड लोअर केस दिस चेंजेस ऑल द सेलेक्टेड लेटर टू स्मॉल केस। ये स्मॉल केस में जो है आपका लेटर और वर्ड सेलेक्ट। एंड अपर केस दिस केस ऑल द सेलेक्टेड लेटर टू कैपिटल। ये पूरा जो आपका लेटर है वो क्या होगा कि कैपिटल लेटर होगा। यहां देखिए आपको दिया हुआ है, ये सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टोटल केस। मीन्स सेंटेंस केस में क्या है कि पूरा का पूरा वर्ड जो है फर्स्ट वर्ड को, फर्स्ट लेटर को छोड़ करके वो पूरा लेटर आपका स्मॉल में होगा। लोअर केस में क्या है कि पूरा का पूरा लेटर आपका स्मॉल में होगा। अपर केस में क्या है कि जो टोटल वर्ड्स और सेंटेंस है वो कैपिटल में होगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड, कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या है कि आपका फर्स्ट लेटर जो कैपिटल में होगा बाकी उस वर्ड का पहला लेटर आपका कैपिटल होगा बाकी स्मॉल में होगा। और ये टगल केस में क्या है कि टगल केस में फर्स्ट लेटर स्मॉल में होगा बाकी सब कैपिटल से। तो ये सारा जो है आपका ये 5 टाइप्स के टगल केस, 5 टाइप्स के केसेस हैं जो कि कंप्यूटर में हम उसके अकॉर्डिंग कोई भी आप लेटर और वर्ड्स
लिखते हैं और उस केस को सेलेक्ट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो ऑटोमेटिक वर्ड जो है आप सेंटेंस चेंज हो जाएगा। हाउ टू अप्लाई, कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, कैसे इसको कंप्यूटर में अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन वर्ड, एमएस वर्ड, एमएस वर्ड को ओपन करेंगे एंड देन सेलेक्ट द टेक्स्ट टाइप टेक्स्ट, जो आपने टेक्स्ट को टाइप किया है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, टेक्स्ट आर वर्ड आर सेंटेंस एंड ऑन द होम टैब क्लिक ऑन चेंज केस। होम टैब ऑप्शन पे जाएंगे या डायरेक्ट आपको जैसा मैंने बताया कि जो एडवांस हमारा वर्जन है उसमें आपको सब आपको स्क्रीन पर दिखेगा, उसमें क्या करेंगे कि जिस केस को हमें अप्लाई करना है उसमें एक इस तरह से साइन बन के आता है, आप चेंज केस ऑप्शन को करोगे तो इस तरह से आपको साइन एक बना है, इस साइन को क्लिक करेंगे तो हमारा डिफरेंट ये जो ऑप्शंस है वो सारे ऑप्शंस आपको कंप्यूटर पे दिखने लगे। इसमें जिस ऑप्शन को आप अप्लाई करना चाहते हो उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हो और सेलेक्ट करने के बाद क्लिक द ओके बटन, ओके बटन को आप अप्लाई बटन, योर सेंटेंस और योर सेलेक्टेड वर्ड लेटर आर सेंटेंस विल चेंज इन गिवन केसेस, तो जो आप केस देंगे उसमें वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अलाउंग टेक्स्ट, जो नो अबाउट अलाउंग टेक्स्ट, देयर आर मेनली फोर टाइप्स ऑफ अलाउंग टेक्स्ट। अलाउंग टेक्स्ट आपको फोर टाइप्स के होते हैं, अलाउंग टेक्स्ट अलाउंग टेक्स्ट टेक्स्ट लाइक अलाउंग लेफ्ट अलाउंग राइट अलाउंग सेंटर अलाउंग जस्टिफाइड जस्टिफाइड। ये आपको लेफ्ट अलाउंग में क्या है ये देखिए, आपको साइन बना इस तरह से, ये राइट अलाउंग में क्या है ये आपको साइन बना, सेंटर में क्या है आपको सब इस तरह से आपको ये आपको साइन में। जस्टिफाइड मीन्स जो हम प्रयोग करते हैं जैसा है वैसा आपको साइन। तो ये हमारे फोर टाइप्स के ऑप्शन है, लेफ्ट अलाउंग, राइट अलाउंग, सेंटर अलाउंग, जस्टिफाइड अलाउंग। जिस टाइप के अलाउंग को आप देना चाहते हैं, ये भी वन टू टाइप वर्ड आर टेक्स्ट इन लेफ्ट हैंड डायरेक्शन, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन से आप लिखना चाहते हैं, मान लीजिए ये लेफ्ट हैंड डायरेक्शन हो गया, यहां से लेकर लिखना चाहते हैं आप लेफ्ट अलाउंग को कर दीजिए, यहां से माई नेम इज एबीसीडी, ओके। राइट अलाउंग से आप लिखना चाहते हो तो यहां पर आपको ऐसे आप इधर से आप लिखना शुरू करेगा और यहां तक मान लीजिए आता है माई नेम इज, ये ऐसे लिखता हुआ आएगा, मैं ऐसे आपको दिखा रहा हूं, लिखते ही नहीं इसी तरह से आएगा, यहां से आपको स्टार्ट करेगा। सेंटर, सेंटर से यहां से आपको लिखना लिखते हुए स्टार्ट करेगा माई नेम इज, और जस्टिफाइड जैसा पहले था माई नेम इज एज वेल। तो इस तरह से मीन्स ये फोर टाइप्स के जो अलाउंग है उसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करके उसके अकॉर्डिंग हम लोग राइट कर सकते हैं। इसका मैंने साइन भी बता दिया आपके स्क्रीन पर, जिस तरह का साइन आपको होगा उसको आप अप्लाई कर सकते हो और अप्लाई करने के बाद आप वर्ड आर टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं या आप लिखने के बाद भी उस पूरे सेंटेंस को या जिस वर्ड को आप जिस इलाके में रखना चाहते हो उस वर्ड आर टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हो, सेलेक्ट करने के बाद उसको अप्लाई कर दोगे और ओके बटन को क्लिक कर दोगे तो क्लिक करने के बाद वो जो है ऑटोमेटिक वर्ड आर सेंटेंस आपने उस सेलेक्टेड अलाउंग के अकॉर्डिंग अप्लाई किया। नेक्स्ट आता है इसका शॉर्ट फॉर्म है जैसे सी जी आर एल प्लस एल मीन्स लेफ्ट,
CTRL plus R means branch. CTRL plus E means center. And CTRL plus J means again R justified. तो ये आपको इस तरह से हम लोग अप्लाई कर सकता है और इसका शॉर्ट पार्ट पूछा जा सकता है. राइट द शॉर्ट पार्ट ऑफ, आपको दो नंबर या एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. राइट द शॉर्ट पार्ट ऑफ अलाउंग लेफ्ट, अलाउंग राइट, अलाउंग सेंटर, अलाउंग जस्टिफाइड आपको लिखना पड़ेगा. नेक्स्ट, क्रिएटिंग लिस्ट. हाउ टू क्रिएट लिस्ट, यू नो अबाउट लिस्ट. लिस्ट कितना है, क्रिएटिंग लिस्ट मीन्स एक दो तरह की लिस्ट होती है, एक ऑर्डर ऑर्डर लिस्ट, एक अनऑर्डर ऑर्डर लिस्ट. ये टू टाइप्स के होते हैं. ऑर्डर लिस्ट में नंबरिंग होता है, नंबरिंग होता है. अनऑर्डर में बुलेट, बुलेट इसका है. बुलेट स्टाइल में भी डिफरेंट स्टाइल्स है, लाइक सर्किल, लाइक स्क्वायर, लाइक ट्रायंगल, लाइक एरो, लाइक सर्कल. तो ये इस तरह से ये डिफरेंट टाइप्स के आपको ऑप्शन होते हैं बुलेट स्टाइल में. नंबरिंग में भी डिफरेंट नंबर्स होते हैं, लाइक फर्स्ट, लाइक फर्स्ट, लाइक ए, लाइक ए. ये आपको डिफरेंट जो है नंबरिंग स्टाइल. तो ये जो है हम लोग जिस टाइप के नंबर को अप्लाई करना चाहेंगे आप उसको जो है टाइप कर सकते हो, उस टाइप को आप सेलेक्ट कर सकते हो और सेलेक्ट करने के बाद उसको अप्लाई कर सकते हो. जिस टाइप के नंबर बुलेट आप ऑर्डर लिस्ट में अप्लाई हो जाएगा. मीन्स मेरा कहने का मतलब है कि ये होता क्या है, इसके डिफिनेशन क्या है वो मैं बता रहा हूं. बुलेट और नंबर मेक ए लिस्ट लुक अट्रैक्टिव एंड लिजिबल. ए बुलेट हैज अ डॉट, जैसा मैंने आपको बताया, सर्कल और एनी अदर सिंबल्स टू आइडेंटिफाई द आइटम्स इन द लिस्ट. एंड ए नंबर लिस्ट हैज ए नंबर्स ऑफ लेटर टू आइडेंटिफाई द आइटम इन द लिस्ट. जैसा मैंने नंबर आर लेटर, ये नंबर आर लेटर में होता है. ये जो है डिफरेंट आपको साइन सिंबल. तो इसको हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, टाइप द आइटम, आइटम को टाइप करेंगे ऑफ द लिस्ट एंड सेलेक्ट द ऑन द होम टैब, सेलेक्ट द बुलेट और नंबर स्टाइल, देन क्लिक ऑन ओके बटन. योर नंबर और बुलेट स्टाइल विल अप्लाइड ऑन द टेक्स्ट और सेंटेंस. क्रिएटिंग नंबर लिस्ट, सेम थिंग, सेम प्रोसेस. नंबर लिस्ट को कैसे क्रिएट करेंगे ये मैंने बता दिया आपको, कैसे आप अप्लाई करेंगे, बुलेट को कैसे आप अप्लाई करेंगे वो सब कुछ मैंने बता दिया. कि जब आप इसको अप्लाई करोगे तो डिफरेंट आपको ऑप्शन से आएगा. इसको जब आप नंबरिंग ऑप्शन को क्लिक करोगे तो ये सारे ऑप्शन आएंगे आपको, और वहां पर आप अप्लाई सेलेक्ट करने के बाद उसको ओके बटन कर दोगे तो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा. लाइन स्पेस, एक दूसरे के बीच में लाइन को कैसे स्पेस देंगे. द वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन ऑफ टेक्स्ट इन पैराग्राफ इज कॉल्ड लाइन स्पेस. आपसे क्वेश्चन दो नंबर में पूछा जाता है, जा सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट लाइन स्पेस, लाइन स्पेसिंग क्या होता है. तो आप आंसर देंगे कि द लाइन स्पेसिंग मीन्स द वर्टिकल स्पेस बिटवीन द लाइन्स ऑफ टेक्स्ट इन द पैराग्राफ is called line spacing. Then select the paragraph, click on home tab, click on line spacing paragraphs and click an options of line spacing from the list that appears. So ye aapka line spacing raha. Iske baad aapko main iske fourth video mein aapko next heading bataunga, paragraph spacing, how to apply the paragraph spacing. Paragraph is a thank you.